रानी मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ कि मतलब कितने पास मतलब नहीं नहीं मैंने पाजी इनके ट्रेलर देखे जिस तरह से पकड़ पकड़ के पीट रही है ना लड़कों को तो थोड़ा मुझे डर लगा अभी तो फिल्म के कैरेक्टर में नहीं है ना आप नहीं नहीं एकदम नहीं अच्छा मैं अभी आपके हिसाब से कैरेक्टर में हूँ अच्छा मैं तो थोड़ा कैरेक्टर लेस ही वैसे बड़ा ही शरारती नॉटी बच्चा है मैं मर जाऊंगा गरीब आदमी को बल्क में जब ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है ना सब बड़े पर्दे पे वीरता की जबरदस्त कहानी आ रही है मरहाबा मरहाबा ना डर है कोई ना खौफ एक इंसाफ की दीवानी आ रही है दुराचारी भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों को याद दिलाने उनकी नानी बॉलीवुड की रानी बन के मर्दानी आ रही है रानी से ढेर सारी बातें करें रानी प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां रानी के लिए अच्छा जब आप इंडस्ट्री में आई रानी आपने आते ही सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ तीनों खान्स के साथ काम किया तो जब आप नई नई आई थी तो आपको तंग तो नहीं करते थे बुली तो नहीं करते थे सेट पे नहीं एकदम नहीं मैं एक्चुअली 17 साल की उम्र में आई थी जी और उस वक्त आमिर ने रंगीला कर ली थी वो कयामत 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 से कयामत तक कर चुके थे ही वाज लाइक अ लव बॉय ही हैड दैट इमेज और मैं उनकी काफी बड़ी फैन थी तो जब मुझे पता चला कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो एज अ नॉर्मल टीन एजर आई वॉज वेरी स्केर्ड तो मेरा पहला दिन जो शूटिंग था आमिर के साथ मुझे अब तक याद है हम एक गाना शूट कर रहे थे आंखों से तूने ये क्या कह दिया जी, जो एक रोमांटिक गाना जी हाँ जो रोमांटिक गाना है बारिश में जो हाँ तो हाँ। मैं एक्चुअली मैं इस तरह से खड़ी थी आइए अच्छा। और आप आमिर बनिए ओके तो अभी आमिर है उत्तरी अच्छा और ये मैं हूँ तो अभी शॉट है कि मुझे उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके साथ रोमांस करना है फिर तो मैं ये रख दूं डायरेक्टर ने हाँ वो रख दिया तो डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा रानी अभी कैमरा जैसे होता है ना स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन तो मैं क्या करती थी शॉट के पहले मैं ऐसे रहती थी ये डर अच्छा। के मारे कि मैं आमिर की आंखों में कैसे देखूं मुझे प्यार हो जाएगा तो मैं ऐसे देखती थी नीचे उनके जूतों की तरफ तो आमिर ने कहा तुम मेरे जूतों को क्यों देख रही हो आंखों में देखो दिस इज द वे टू एक्ट पहले कैमरा स्टार्ट होने से पहले कनेक्ट विथ मी तो फिर मैं धीरे 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 उनकी आंखों में और फिर नीचे फिर आंखों में रानी लुक एट मी बोला हाँ ओके फिर अभी कैमरा तो एक्चुअली आमिर ने मुझे सचमुच में सिखाया कि रोमांस कैसे करते हैं और अब मैं ऐसे हो गई हूँ कि मुझे पेड़ सामने खड़ा कर दो मैं उसको भी रोमांस कर सकती हूँ पेड़ का क्या ढेर कर दिया इट्स ओके होता है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आप प्लीज बैठिए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और भी मजेदार किस्से बाजी लड़की अच्छा एक पर्सनल क्वेश्चन अगर आपको कोई छेड़े ऐसे अगर इफ तो मतलब कितना भारी पड़ सकता है ऐसे आइडिया ले रहा हूं ताकि उस हिसाब से आगे बढ़े आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी छू कर देखो दिल मेरा तो मैं दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी सिद्धू मां जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है गाली है उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी फिल्मों से प्रभाव तो पड़ता है बाजी लेकिन ये कौन पता नहीं कब सुधरेगी ये छेड़ने वाली जो इनके लिए एक अलग से फिल्म बनाए शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ जूते ही चल रहे हो ऐसा अरे मेरे को एक शिकायत है आपसे जी आपने इटली जाके शादी कर ली तो मैंने काफी प्लानिंग की हुई थी मैंने सोचा था कि मैं एज ए रानी की सहेली ना जीजू के जूते चुराऊंगा ऐसे मैंने ऐसा नहीं मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ ये जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं हाँ। इनमें भी ऐसे जूते चुराए जाते हैं हाँ जूते चुराए गए तो कितने पैसे दिए दीते ने ऐसे में पूछ रहा हूँ किसने चुराए थे जूते मेरी सहेली उन्होंने अच्छा हाँ
वेरी नाइस। मैं यही जाना एक अच्छा आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं, वो पंजाबी फैमिली आपकी बंगाली, हालांकि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर देखो तो ऐसा बड़ा होता है। तो आपको जाके उनका खाना बनाना भी उनका, एक्चुअली मुझे पंजाबियों से बचपन से ही प्यार था क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो सब पंजाबी थे, होते ही ऐसे पंजाबी लवेबल, हां लवेबल। और स्कूल में जब हम लोग टिफिन खाते थे ना, मतलब ब्रेक टाइम पे, तो मैं अपने पंजाबी बेस्ट फ्रेंड का टिफिन पूरा खा जाती थी और वो मेरा टिफिन खा जाते थे। तो बचपन से ही मुझे आलू के पराठे, माँ की दाल, वो सब मैं यूज्ड टू हो गई थी। अच्छा, मतलब पहले से तैयारी थी? पहले से ही तैयारी थी, मतलब भगवान का कुछ अजूबा था। एक्चुअली उनको मेरे साथ एडजस्ट करना था तो मैंने उनको अभी बंगाली खाना, बंगाली में गालियां देना सब सिखा दिया। अच्छा, वो भी हुआ था जो बंगाली शादी में होता है ऐसे करके, जैसे करके हाँ, मुझे नहीं आता लेकिन उन्होंने किया था मेरी शादी। अच्छा, उन्होंने किया था। मैं पहली बार देखा, मैं डर गया था, मुझे लगा कि शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। वार्ड ऑफ इविल, वो एक होता है, आई थिंक टू वार्ड ऑफ इविल। ओके, इसका क्या मतलब होता है? वो नहीं पता, वो उनको ही मतलब कि बुरी नजर से बचाने के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, मेरे को एक और बात पूछनी थी आदि सर से। मैं जितना उनको देखा है वो बड़े शाही है लेकिन फिल्में बड़ी रोमांटिक बनाते हैं जी। तो सारा रोमांस फिल्मों में निकलता है कि आपके लिए भी थोड़ा मतलब? नहीं नहीं, मेरे लिए तो सब है, पूरा है भंडार, मेरे लिए पूरा है, प्रॉपर है। हाँ हाँ, फिल्मों में थोड़ा थोड़ा देखा। वैसे बड़ा कम बोलते हैं वो? नहीं, बहुत बोलते हैं, मेरे साथ तो बहुत बोलते हैं। अच्छा, हाँ, क्या खिलाती क्या आप? वैसे कभी नहीं बोलते, देखा आपके साथ बोलते हैं। नहीं, मेरे साथ बोलना ही पड़ता है ना, क्योंकि मैं इतनी बातूनी हूँ कि मेरे साथ उनको मतलब बात करना ही पड़ता है। नहीं, तो कुछ चारा ही नहीं है। मेरी जो मर्दानी है वो जाग जाए। Hi Adi, how are you? Congratulations for your wedding. Thank you. How's Adi sir? Very good. Adi तो अच्छे होंगे, इतनी अच्छी वाइफ मिली है। आपके कहने का मतलब क्या है कि आपको अच्छी वाइफ नहीं मिली है? मैंने कुछ कहा बाजी? अपने आप आइडिया लगाता है, इसको कहते हैं चोर की बेटी की दाढ़ी में तिनका। मैंने कुछ कहा? चोर की बेटी। शर्मा जी, you need to behave yourself. You behave yourself. मैं इंटरव्यू कर रहा था, बीच में आ गई। जब ऐसी खूबसूरत हीरोइन आती है तो मुंह ढक के आकर। एक तो रानी पहली बार घर पे आई है तो मैं भी तो दो चार बातें करूंगी। और वैसे भी मुझे रानी को हैप्पी मैरिड लाइफ की कुछ टिप्स देनी है। लो, टिप्स आप देंगी मुझे? खुद कभी जूस नहीं पिया, दूसरे को मॉकटेल बनाना सिखाएंगे मैडम। आप कृपया करके थोड़ी देर अपना कपल कपल कप जी, मैं एक इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई। टैटू भी बनवा के आई अभी पीछे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत लकी है बिकॉज़ शी इज रियली ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस ना। आप कृपया थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखेंगे, मैं साड़ी का पलू ना मुंह के अंदर ठूस दूंगी। जस्ट कीप क्वाइट। नहीं, वैसे रानी मैं आपसे कहना चाहती थी टिप्स कि मत देना। फिर भी सुन लो, क्या कुछ ज्ञान देने आई? नहीं, मतलब जैसे हफ्ते में एक बार कहीं घूमने चले जाना, भले वो जुहू बीच या मरीन ड्राइव हो, या महीने में एक बार खंडाला लोनावला, समथिंग। ये तो हम यहीं पे पड़े रहते हैं। सोच सोच देखो, जुहू से आगे जाती नहीं। घूमने की बात हो रही है, जो इटली में शादी कर रहे हैं वो जुहू बीच घूमने जाएंगे? देखो देखो, अब मैं घर पे आई हूँ ना, फाइट नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है, सिर्फ रोमांस होनी चाहिए। ये हाथापाई उतरती, मैं तो सिर्फ मुंह से बोलता हूँ। नहीं, हाथापाई कभी कभी करनी पड़ती है, नहीं तो हस्बैंड जो है वो अपने आप को तो कभी कभी मंजू दे दिया करो, मैं तुम्हें टिप दे दूँ। अपना कहता फाड़ क्यों नहीं देती जहां से इंग्लिश सीख के आती थी लीज वाला? मैं तुम्हारे साथ हूँ मंजू, कहती मैं हस्बैंड ठीक नहीं हूँ, मैं किसी और का हस्बैंड बना के देख मैं कितना इजी होता हूँ। जान के गोद में गिर के ना लोगों को बता रही मैं बड़ी क्लोज हूँ। कपिल कपिल, हस्बैंड ना बहुत अच्छे, आप सबको हंसाते हैं, यू मस्ट बी नाइस टू हिम, गो एंड गिव हिम अ किस, गो गो गो। नहीं नहीं, पुदीने वाली चटनी खा के आई मैं। अरे अरे,
भाजपा ही तो उतरा दी है।